कभी विद्या बुद्धि कमी पड़त नहीं ऐसा सांगले गेलेला आहे। आज के दिन अगर विद्यादान किया जाता है माता सरस्वती के प्रत्यर्थ, आप पांच किताबें या पांच पेन या जो भी पाटी है कलम है इसका अगर हम पूजा करके दान करते हैं तो उनको सात पीढ़ियों तक विद्या की कमी उस घर में नहीं रहती। मैंने जैसे आपको कहा बहुत सारे विद्यावान भी होते हैं, बहुत सारे वकील भी होते हैं, अपने विद्या में पारंगत होते हैं, LLM PhD करे से होते हैं, डॉक्टर्स भी होते हैं तो बहुत सेठ होते हैं, लेकिन अगर उनको तुम कुछ एक्सप्लेन करने के लिए कुछ बोलने के लिए बोलो तो वो नहीं आता, क्योंकि उनको वाक सिद्धि नहीं होती। वाक सिद्धि जिसे होती है वह बिना पढ़ा भी डॉक्टर युक्त बात करता है। अब आपके सामने उदाहरण है, आपके सामने उदाहरण है हमारे नेतागण, वो 10th क्लास पास है या नहीं है पता नहीं, PhD है पता नहीं, उनके नीचे IAS लोग हाथ पकड़ के खड़े रहते हैं, जो कि उनके हिसाब से वो लोग तो 10वीं पास भी हैं या कुछ पास है पता नहीं, लेकिन उनके सामने IAS IPS और मिलिट्री लोगों को भी हाथ पकड़ के खड़े रहना पड़ता है। इसका कारण क्या, इसका कारण क्या, जो उसके पूर्व जन्म में इस जन्म में विद्यादान किया हुआ हो या विद्यादान के लिए गरीब बच्चों को पढ़ाया हुआ हो तो माँ विद्या उसके ऊपर कृपा करती है। ऐसी ही एक कहानी है कि एक अपने पास उज्जैन में एक महान विद्वत वेत्ता थे जिनका नाम था जगन्नाथ मिश्रा। तो उनकी विद्या का इतना प्रचार हुआ, वो महाकाली के साधक थे और उन्होंने तारा को सिद्ध किया था। तो ये बात होने के बाद जो होएन सांग नाम के चाइना यात्री यहाँ आए और उनको पता चला कि जगन्नाथ मिश्र एक बहुत बड़े प्रकांड पंडित है, तो उन्होंने उनको उनसे प्रार्थना की कि आप हमारे पाली भाषा में, हमारे टिबेट की भाषा में आप इसका अनुवाद करने के लिए हमारे पास आओ। तो वह देश के रहने कारण आने की बात नहीं करी, मैं नहीं आता हूँ ऐसा उन्होंने कहा। तब उन्होंने कहा कि नहीं नहीं आपको हमारे पास आप जो भी कहो हम आपको ले जाते हैं। आखिर वो कितना बोलने के बाद भी नहीं आने गए तो उनको एक रात में डराना पड़ा कि तुम नहीं आए तो तुम्हें ख़त्म कर देंगे। तो उनको यहाँ से ले जाया गया और उनको वहाँ साधना में बिठाकर अपनी सारी संस्कृत की भाषा की जितने भी विद्या रूपी वेद हो उपनिषद हो उनका सभी का अनुवाद उनकी भाषा में किया गया। और तक्षशिला और नालंदा विश्वविद्यालय उसी के प्रतीक थे जो सारे संसार में श्रेष्ठ थे। तो होएन सांग नामक यात्री आया था, उसने तक्षशिला और नालंदा विश्वविद्यालय के बारे में उन्होंने कहा था, जिसको रस विद्या है या जिसको बात करने आता है। मैं देखता हूँ अपने पास बहुत भी गुरुजी, वो बहुत अच्छा है, उसको वो बहुत सत्यवान है, अच्छे अपने काम करके अपने जीता है, सब कुछ खाता है, लेकिन उसके पास अच्छाई उसको समाज में काम नहीं आती। क्यों नहीं काम आती, वो अच्छा है तो क्या हुआ, चंदन का वृक्ष अगर जंगल में है तो कौन चाहता है, वही चंदन का वृक्ष एक टुकड़ा दुकान में रहे तो 100 रुपये में बेचते हैं और चंदन का वृक्ष जंगल में रहे तो कौन खरीदता। ऐसी बात है, मैं अच्छा हूँ, तेरी अच्छाई किस काम की, अगर जब तक तू बाजार में नहीं आता, जब तक तू वाक सिद्धि नहीं आता, तेरी जब तक बात नहीं आती तब तक तेरी बात कोई नहीं सुनते, तब तक तुझे कोई देखने वाला या तुझे पूछने वाला नहीं, ना धन है ना ऐश्वर्य है ना तुझे कुछ नहीं। आज हम नेताओं के पास देखते ही हैं, उनके पास वाक सिद्धि है, वो नेता बन गए, ऐश्वर्य आया, यश आया, कीर्ति आई, ये किस बात की पुण्य आई है, जबकि आप सब लोग कहते हैं गुरुजी वो अच्छा नहीं है, उसके वो रुश्वत खाता है, वो लेता है, ये लेता है, आप बहुत अच्छे हैं, लेकिन आपकी अच्छाई किस काम की आई, उसके सामने जाकर खड़े रहने की काम की आई, वो तुम्हारे को चाट के खा जाता है। उसके पास बात करने का तरीका है, उसके पास वाक सिद्धि है। अब मैं कहता हूँ कि जिस आदमी के पास वाक की सिद्धि हो, वो बात करने की अच्छी क्षमता जानता हो, वो 10th क्लास पास क्यों नहीं हो, अपना जीने की कला जानता है। यही बात हुई थी बीरबल, आपको मानते हैं अकबर बीरबल के पास बीरबल थे, एक अच्छे विद्वान थे, ब्राह्मण ही थे, विद्वान ब्राह्मण थे। तो एक बार क्या हुआ, बीरबल जाते जाते बीरबल रोज दरबार को जाते थे, तो एक दिन उनको जाने को लेट हो गया, बीरबल को जाने का यानी चतुराई कैसी होती है, उनके पास कुछ नहीं था, अपने पास तो नहीं था, तो जाने को लेट हो गया। लेट हो गया तो अकबर ने कहा, अरे बीरबल को आने को लेट क्यों हो गया। तो नहीं पता प्रभु, जाके देख के आओ बीरबल को लेट क्यों हुआ। तो उतने में बीरबल आए। अकबर ने पूछा क्या हुआ तुम्हारे को, लेट किस लिए हुआ। बोले प्रभु आज मैं तुलसी माता की पूजा कर रहा था। तुलसी माता ये कौन माता होती है। उन्होंने लाके तुलसी का पौधा बताया। वारे तुम्हारे हिंदू के लोग, कहीं झाड़ को भी पूजा माता बोल के करते हैं और ये करते हैं, कोई अकल की बात हो गई। उन्होंने बोले देख तेरे माता को तोड़ के कैसा कर देता हूँ। उन्होंने तुलसी का झाड़ पूरा तोड़ दिया और फेंक दिया। अब बीरबल थे होशियार तो थे ही, यानी वाक सिद्धि कैसी होती है, चतुराई कैसी होती है बताओ, बताता हूँ। फिर बीरबल क्या करे, दूसरे दिन भी लेट गए।
लेट होके गए तो बीरबल अकबर ने पूछा क्या हुआ आज लेट क्यों आए, बोले आज गौ माता की पूजा कर रहा था। ये गौ माता कौन है? अरे गाय। क्या पूजा करते हो? बोले कुछ नहीं, गोबर वगैरह निकाल के लीप के रखते हैं उसको, तेरी गौ माता को तो एक मिनट में खत्म कर देता हूँ। अरे कहीं गाय माता को गोबर को ले लेके पूजा करते हैं क्या? तुम अक्कल नहीं है तुम्हारे, हिंदुओं को बोला। अब बीरबल को रहा गया, तीसरे दिन भी लेट गया, बोला आज क्या हुआ? बोले आज मेरे हमारे घर में बहुत बड़े पिता हैं, उनकी पूजा करने गया था। बोले वो पिता कौन है? बोले तो कांटेदार जो चुभने वाला रहता ना, जिससे खुजाता, बोला वो मेरा बाप है, उसकी पूजा करता हूँ। बोले रहा उस बाप को भी मैं करके दिखाता हूँ। अकबर के पास ले गए, वो लगे जैसा ही फाड़ने लगे, पूरा आंख खुजाने लगा, पूरा खून खून का। अरे ये क्या है? बोली मेरी माँ बहुत कोमल है, वो किसी को गुस्सा नहीं करती, मेरे बाप सहन नहीं करता, वो तो तुम्हारे को फाड़ के रख देगा। अरे अब क्या करना है इसको, कैसा करना? बोले मेरे माँ को जाके नमस्कार करो तो तुम्हारा काम हो जाएगा। बोले कैसे माँ को नमस्कार करना? बोले तुलसी का पत्ता लगाओ, रस लगाओ तो कम हो जाएगा, और गोबर को लगाओ तो कम हो जाएगा। अरे पहले कपड़े निकाल, गोबर लगा। मेरा पिता बहुत गुस्से वाला होता है प्रभु, उसके हाथ को मैं हूँ, माता और कोमल दयावान होती है। यानी वो कितना चतुर था अपनी बात कहने में, और उसने कह के बताई कि हमारा हिंदू धर्म कितना श्रेष्ठ है। जब तक तुम्हारे में ये चतुराई नहीं होती तब तक तुम जी नहीं सकते। तुम चाहे कितने भी विद्वान, कितने भी पीएचडी हो, कितना भी तुम्हारे पास कर्म हो, तो यह चतुराई जानने के लिए, यह विद्या आने के लिए हमें क्या करना पड़ता है? यह विद्या जानने के लिए, इस वाक सिद्धि के लिए ही हमें माता एक जटा की साधना करना होती है, जो सरस्वती का ही एक अवतार है। सरस्वती हमारे को रस देती है, विद्या प्रदान करती है। वाग्वादिनी देवी तारा है जो है, हमारे वाक को सिद्ध करती है। और एक जटा हमारे में चतुराई भरती है, वो कहीं भी जीने की कला सिखाती है, कहीं भी जीने का विधान सिखाती है। कहां भी तुम जाओ तो किस प्रकार जी सकते हो, ये बात वो आपको बताती है। इस विद्या के हमारे पास बहुत सारे श्रेष्ठ विद्वान होके गए। एक जटा के साधक हुए वराहमिहिर, जो ज्योतिष विद्या में बहुत ही श्रेष्ठ कहलाए जाते थे, और उनके घर में भी श्रेष्ठता इतनी थी कि उनके ज्योतिष को संसार का हर एक आदमी मानता था। उनको भी माता सरस्वती की प्रत्यक्ष सिद्धि थी, माता सरस्वती को प्रत्यक्ष सिद्ध करे थे। आज भी वराहमिहिर के आप कितने भी पुस्तक देख सकते हैं, कितने ही उनके बारे में श्रेष्ठता कहलाई गई है। जब तक आप में चतुराई नहीं आती, जब तक आपको बात करने की कला नहीं आती, तब तक आप जी नहीं सकते, क्योंकि ये संसार चतुराई का संसार है। तुम्हारे को पढ़ा लिखा है ये नहीं देखता, न तुम्हारे पास ज्यादा पैसा भी है और पढ़ा रखा नहीं है तो तेरे घर में सीए को अपॉइंट करना पड़ता, वो जैसा बोला वैसा सुनना पड़ता। हमारे पास पैसा, विद्वत्ता और वाक सिद्धि, ये जब तीनों हो तो ही वो यशस्वी होता है, नहीं तो हमारे को किसी पर भी आधारित रहना पड़ता है। या ऐसी आधारित जीवन न जीने के लिए माता एक जटा एक ऐसी देवी है जो तुम्हें यश, कीर्ति और सब कुछ प्रदान करने वाली है। अब हम ज्यादातर लोगों को देखते हैं। एक बार क्या हुआ, माता पार्वती देवी और महालक्ष्मी और महासरस्वती, ये तीनों भी बैठे बात कर रहे थे। तो अभी कहते हैं कि माता पार्वती और महालक्ष्मी और सरस्वती बैठे थे, तो सरस्वती महालक्ष्मी की सुन कहलाई जाती है ने? क्या तुम क्या बोलते, सुन को क्या बोलते, बहू, बहू कहलाई जाती है, क्योंकि विष्णु के ब्रह्म नाभि कमल से ब्रह्मा उत्पन्न हुए, यानी विष्णु से उत्पन्न हुए, और विष्णु की पत्नी लक्ष्मी होने के कारण ब्रह्मा की भार्या सरस्वती उसकी बहू हो गई। अब ये हुआ कि लक्ष्मी माता तो थी, बोले ये मेरी बहू जो है ना, ब्रह्मा दिखते कहीं पर, इनके पास ना ऐश्वर्य है ना कुछ नहीं है, क्योंकि हम देखते हैं ब्रह्मा की पूजा पृथ्वी पर नहीं होती, क्योंकि शाप के कारण पूजा तो नहीं है, केवल विष्णु की पूजा होती है। हम उनको बालाजी को देखते हैं, बहुत सोना ही सोना, लक्ष्मी प्रसन्न है, सब कुछ है, ब्रह्मा की पूजा नहीं होती, ब्रह्मा की पूजा नहीं होती, उनकी पत्नी सरस्वती माता की पूजा नहीं होती। अब हो कैसा? इस प्रकार होने के बाद लक्ष्मी बार बार को कहती थी अपने बहू को, आजकल तो सभी, आपको तो पता है सोना और सासू का कैसा संसार है, वो भगवान से भी चलते हुए आ रहा है। तो वहाँ भी महालक्ष्मी माता ने अपने बहू को कहा, ये मेरी बहू है, कुछ भी काम की नहीं, बेकार की चीज़ है, एक पैसा नहीं लाती, एक पैसा कुछ नहीं, सब कुछ है तो मेरा है। अब सरस्वती को लगा ये तो बहुत बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, इसको तो देख लेना चाहिए, एक बिना बहू है, बहू भी क्या छोड़ने वाली थोड़ी चीज़ है सास को। उसने भी कहा इसको देख लेंगे एक बार। तो कहा कि हे महालक्ष्मी माता, तू ऐसा कर रहे, आज से तेरा मेरा युद्ध चालू, क्या तू किसी के ऊपर कृपा कर दे और मैं उसके ऊपर अवकृपा करती हूँ, देखेंगे कौन जीतता है। बोले ठीक है मैं मानती हूँ। माता लक्ष्मी ने एक के ऊपर कृपा कर दी, वो सोना चांदी से भर गया, उसका घर सब कुछ सोना चांदी सब कुछ था, सभी देख लिया गया। और उसने कहा
कि अब बता उसको क्या कमी है, किस चीज की कमी है। तो माता सरस्वती ने उसके उसके पास से विद्या खींच ली, विद्या खींच ली। तो वो क्या करता था, जो धनवान आदमी था, रोज कोई आता था, अरे भाई तुम पैसा दे दो, तो रुपया की जगह 10 रुपया देता था। उसको ज्ञान बुद्धि ही नहीं, विद्या ही नहीं। उसके पास अन्नदान देता था, अन्नदान करता था, वस्त्र छोड़ देता था, कैसा जीना पता नहीं, विद्या नहीं है। माता लक्ष्मी ने देखा कि इसको ऐसे लोग मूर्ख बना रहे हैं कि रोज आके उसके पास से लूट लेके जाते हैं पैसा। कोई 1000 दो बोलता, कोई 2000 दो बोलता, कोई चाकू बताता पैसा ले जाता, कोई इसको ज्ञान नहीं। माता लक्ष्मी ये देखकर परेशान हो गई कि अरे इसको तो सभी लोग लूट लेके जा रहे हैं, अरे मूर्ख तू पैसे क्यों दे रहा है। तो इसलिए मूर्ख तो हूँ माँ सरस्वती नहीं, सरस्वती लेने के कारण तो उसका लूट मचा हुआ। फिर आप कैसे हो, यश कीर्ति किस प्रकार प्रदान हो। वो देखकर वो परेशान हो गई और कहा कि तेरे पास कितना भी पैसा हो, कितना भी लक्ष्मी हो, अगर मैं नहीं हूं तो उसका कोई उपयोग नहीं है। ये सरस्वती माता ने उनको बदला दिया, मैं जहां हूं वहां तू रहने का भी कोई उपयोग है। छोटा भी पैसा, पैसा कम भी रहा और विद्वत्ता रही तो वो कैसा उपयोग करना जानता है। पैसा करोड़ों रुपयों का हो लेकिन उसको यश कीर्ति प्राप्त नहीं होती। यही बात ठीक तरीके से आप अगर आप जानते हैं तो रावण और राम के बारे में हुई। रावण माता काली का भक्त था, माता काली का उसकी शांकरी देवी नाम की पार्वती माता का एक शक्तिवान थी। उसने तो आपको बताया सोने की लंका बनाई थी, उसके पास धन था, ऐश्वर्य था, सब कुछ था। और राम दरिद्र थे, दरिद्र क्यों हुए, वनवास के कारण, उनको बोलने के कारण सीता माई के साथ आ रहे, लेकिन 14 वर्ष वनवास अनुभव किया। माता सीता ने भी गर्भवती होकर भी राज्य छोड़ा और वनवास अनुभव किया, इतने कष्टवान थे। लक्ष्मी उनके पास लूट कर रह गई थी। लेकिन जिस दिन राम को महर्षि अगस्त ने एक जटा की विद्या प्रदान की और कहा कि हे राम, तुम अगर इस विद्या के ज्ञाता बन जाओ तो तुम देखो तुम यशस्वी होते हो, राम रावण अपयशस्वी होता है। और जिस दिन माता सीता ज्ञानी देवता एक जटा की आराधना करने वाली वाल्मीकि जी के कहने पर आराधना करने वाली सीता जिस दिन रावण लेके गया, आज भी आप पूरा रामायण पढ़ते हैं उतना स्वर्णमय वाला रावण, उतना तपस्वी रावण आज बदनाम होकर उसको जलाया जाता है और राम की पूजा की जाती है। ये केवल एक जटा और सरस्वती माता की कृपा, हमारे पास इसका रहना ये जरूरी है। यही बात हुई जब महर्षि वाल्मीकि रत्नाकर नाम के एक डाकू थे और वो डकैती करते थे, सबके पास से पैसा लूटते थे। अपने पास बैठे हुए लूटने वाले उनको देखकर एक दिन जाते जाते नारद आए और नारद ने देखा कि रत्नाकर नाम का डाकू जंगल में रहता है। उन्होंने देखे तो जैसा ही नारद को देखा रत्नाकर डाकू ने पकड़ लिया, बोला तेरे पास क्या है, चल पैसा निकाल। अरे बोले मैं सन्यासी हूँ, मेरे पास वीणा के सिवा कुछ भी नहीं है, तू मेरे को क्या लूटेगा, मेरे पास है क्या। बोले तू खाता कैसा है, ये वीणा लगाकर खाता है क्या, भीख मांगता है क्या, खाने के तो भी तेरे पास कुछ पैसे तो होंगे, होगा कैसा लूटता है, कपड़े डाला कहाँ से डाला, ये वीणा लाया कहाँ से लाया, चल बोल कैसा पैसा कमाता है, वो पैसा मुझे दे। अब नारद बोले क्या, अरे यार ये वीणा मेरे को भगवान का दिया हुआ है, वो भगवान के पास से मेरे को पैसे मांग के लाके दे। अब नारद परेशान हो गए, नारद को लेके बांध दिया झाड़ को, जब तक पैसा नहीं लाता तब तक ये वीणा मेरे पास, तू यहीं बैठ जा। अब रावण अभी रत्नाकर नाम के उस डाकू ने पकड़ लिया, नारद परेशान थे, अपने भगवान नारायण नारायण कर रहे थे, ना नारायण आए ना कोई ना आए, नारद को तो बांध के रख दिया गया, हो कैसे। नारद ने कहा कि हे शारदा, यानी नारद की बहन सरस्वती कहलाई थी, ब्रह्मपुत्री कहलाने के कारण सरस्वती कहलाई, आप बोलिए ये नारायण तो मेरी रक्षा करने वाले नहीं है, हे माँ एक जटा सरस्वती माँ बहन तू आ जा, यहाँ कुछ ना कुछ करिए, रत्नाकर नहीं तो मुझे ऐसा ही मार कर रख देगा, मेरी वीणा उठा के ले गया है, कुछ ना कुछ बता। तब माता शारदा जैसी आई, वाल्मीकि ने पूछा ठीक है मैं तुझे पैसा देता हूँ, देने के लिए तैयार हूँ, जो भी है मैं नारायण को पूछ के दूंगा, लेकिन बेटा ये पाप है तू जो कर रहा है, लूट के ले जा रहा है ना, इससे ये पाप है, समझ मेरे में शक्ति है और मैं तेरे से भी शक्तिवान आदमी को लेके आया और तुझे कोई लूट कर ले गया, तुझे मार कर तेरे लोगों को ले गया तो तू क्या समझेगा। अरे बोले वो तो पाप है, मैं तेरे से शक्तिवान नहीं है क्या, इस संसार में है, तेरे बीवी बच्चों को मार लेंगे और ये सारा लूट कर ले जाएंगे, तब तुझे दुख होगा या नहीं होगा, होगा तब तू क्या कहेगा, तो वो तो पाप कहेगा, फिर वो पाप तू भी कर रहा है, वो पाप वो भी कर रहा है, फिर ये बता दे तू पाप का प्रायश्चित कैसे करेगा, तेरे को इस पाप के कारण नरक को अनुभव करना पड़ेगा, तेरे को यमराज यम धर्मराज तेल में तलेंगे, तेरे को दुख प्रदान होगा, तुझे तू कैसा करेगा। तो बोला मेरे लोगों को दे रहा हूँ, तो ये बात कर, तू रोज जाके लूट के जो दे रहा है तेरे पत्नी बच्चों को उनको बोल मेरे पाप में भी तुम भागीदार हो क्या, जैसा मेरे पैसे लेकर लूट के आने से खाने के लिए तैयार हो, वैसे मेरा पाप भी हुआ उसमें तैयार हो क्या, पूछ के तो हाँ
मैं यहीं बैठा हूँ, तू तो बांध दिया है, मैं यहीं हूँ। उसने बोला ठहर जा, तू अक्कल की बात किया, मैं जाता क्योंकि शादी सरस्वती माता उसके ऊपर कृपा कर दी थी। वो गया रत्नाकर ठाकुर, बोला मैं तुम्हें पता है रोज इनको उनको लूटता हूँ, तुम्हारे लिए रिश्वत लेता हूँ, तुम्हारे लिए पैसा कमाता हूँ, तुम्हारे लिए गलत धंधा करता हूँ, पैसा कमाता हूँ, ये सब मेरे पास है, तो मुझे इसका तो पाप लगता है। बोले लगता है तो तुम सब लोग मेरे पाप को भाग मेरे पाप में भागीदार है क्या? वो नारद एक आया है भगवान, वो कहता है कि मेरे इस पापों के कारण मुझे तेल में तल देते हैं, मुझे टुकड़े टुकड़े कर देते हैं, मेरे को कव्वे चील खाते हैं, तुम इस पाप को लेने के लिए तैयार रहेगा? चल चल हम पाप को लेंगे, तो दिया हम खाए, हम तो कैसा कमा के ला रहा, हमारे को क्या मालूम, हम तो कह रहे हैं कि हम तो पका के लाए, हम खा रहे हैं, तू कैसा पका है हमने कभी पूछा? हम तेरे पाप में भागीदार नहीं होते। उसको ज्ञान हुआ, उसने कहा वाह रे भगवान, मैं आज तक इनको पालता रहा पोसता रहा, अच्छे कष्ट करते हुए जो कुछ भी करते हुए पालता पोसता रहा, अब आज पाप में कोई भागीदार बनने के लिए तैयार नहीं है। वो आया, हे महान भव, तो कोई भी है वीणा वाला, तू तो अक्कल की बात किया, अब मेरे को बोल, मैं तो इतने दिन तो पाप करता रहा, मेरे बीवी बच्चे पाप लेने को तैयार नहीं है, मेरी जिंदगी क्या? इसलिए बोलता हूँ तेरे को, मैं जो बोलता हूँ वो साधना कर, मैं जो बोलता हूँ वो कर, तुझे इस पाप से तू छुटकारा पाएगा। तब उस वाल्मीकि को बिठाया गया, तो वाल्मीकि को मंत्र देकर उन्होंने कहा कि यह एक जटा माता का मंत्र है जिससे तू ऐश्वर्य प्राप्त कर सकता है, धन प्राप्त कर सकता है, जो भी तू चाहता है यश कीर्ति तुझे मिलेगी। और उन्होंने माता एक जटा का मंत्र वाल्मीकि को दिया, जिसके ऊपर जिन्हें तपस्या की, बाल की बात तो आपको मालूम है, महर्षि वाल्मीकि रत्नाकर डाकू से वाल्मीकि बना, और वाल्मीकि बनने उसने रामायण लिखा, वाल्मीकि रामायण जो संसार में श्रेष्ठ है, यश कीर्ति सब कुछ प्राप्त हुई। तो यह एक ऐसी विद्या है, केवल लक्ष्मी के प्राप्त होने से नहीं, हमें एक जटा लक्ष्मी को भी देती है, सरस्वती को भी और शक्ति को भी देती है, ये तीनों शक्तियों से रहने के कारण चीनायान में इस एक जटा का बहुत महत्व है और इसकी साधना करते हैं। इसलिए आज चाइना आप देखते हैं सभी कार्यों में बहुत श्रेष्ठ माना गया, अमेरिका से टक्कर लेने में श्रेष्ठ है, यहाँ चाहे आज कम्युनिज्म हो वहाँ, लेकिन आप अगर वहाँ के लामा और वहाँ के बौद्धों को अगर देखते हैं तो वो इस विद्या की ज्ञाता है, तारा विद्या की ज्ञाता है, और उनका मंत्र तारा तुरी स्वाहा या तारे तुतारे तुरे स्वाहा, इस प्रकार तारा की साधना करते हैं। तो एक जटा का मंत्र केवल वो लोग करते हैं जो लामाओं के गुरु कहलाए जाते हैं, जिसका माँ का स्वरूप है, जो अपने नहाकर खड़े हुई गई, और जिसने आपको औरतों को देखते हैं जब सर से नहाते हैं तो उनको सबको वेणी को लेकर एक ही जटा एक ही जगह बांध देते हैं। माता सरस्वती जब नहाकर आ रही थी तब चिनायान के एक बच्चे के रूप में गया और कहा कि माँ मैं जिद्द हूँ, मुझे तुझे आज मुझ पर कृपा करना है, मैं तेरा स्तनपान करना चाहता हूँ, मुझे विद्या प्रदान करो। तब उस चिनायान में माता ने उस बच्चे को देखकर कहा, अपना स्तनपान देते हुए कहा कि तुझे और क्या चाहिए? तो कहा माँ तेरा ये जो रूप है, मैंने स्तनपान जो किया है, आज मैंने तुझे जैसा पुकारा है वैसा तुझे जो भी पुकारे तू उसके ऊपर आशीर्वाद करेगी, उसे ऐश्वर्य धन सरस्वती विद्या सब प्रदान करेगी, ऐसा वरदान दे। उसका नाम था नारोपा, वो नारोपा नाम का एक लामा था, लामा का गुरु था, उसने एक जटा से ये वरदान लिया और बाद में उसने बौद्ध धर्म का महायान में विद्या करते हुए इस एक जटा माता की विद्या प्राप्त की। वह विद्या आज चाहे स्त्री हो पुरुष हो, वह सारी शक्तियों को प्रदान करती है, विद्या प्रदान करती है, ऐश्वर्य को देती है, यश कीर्ति भी प्रदान करती है। ऐसी माता एक जटा की साधना जो इस वसंत पंचमी के दिन करते हैं, आज वसंत पंचमी के दिन हमारे यहाँ ही नहीं, अब अगर बौद्ध तंत्र में जाते हैं, जैनों के पास जाते हैं या और हिंदू सनातन धर्म में जाते हैं, इस सरस्वती विद्या की प्रथा बहुत ही प्रचलित है, और बंगला या अपन कलकत्ता उधर जाते हैं तो आज सरस्वती वसंत पंचमी के दिन बहुत श्रेष्ठ करते हैं, और हरियाणा पंजाब में भी आज के दिन वसंत ऋतु के लिए वसंत मेला लगता है। यह वसंत ऋतु का वह आह्वान है, मैंने जैसा आपको कहा पहले ही, प्रकृति की उत्पत्ति आज हुई और प्रकृति सरस्वती के रूप में रहने कारण, सारे रसों को लेकर निर्माण आने के कारण आज सरस्वती का जन्म कहा गया है। जो आज के दिन अपने गुरु द्वारा एक जटा का मंत्र लेता है और केवल आज के दिन पांच माला भी जप करता है, तो कहते हैं कि उसके जीवन में विद्या धन और ऐश्वर्य कभी कमी नहीं पड़ती, ऐसा कहा गया है। यही कारण हुआ महाराजा विक्रमादित्य हो या प्रभु राम हो, प्रभु रामचंद्र को महर्षि अगस्त ने एक जटा की विद्या प्रदान की थी, महर्षि वशिष्ठ ने भी, इन इस एक जटा माता की साधनाएं बाद में वशिष्ठ जी 1000 साल तारा मंत्र का करने के बाद में जब सिद्ध नहीं हुई तो उस तारा मंत्र को ही श्राप देने गए। तब ब्रह्मा भगवान ब्रह्मा ने कहा कि तू इसमें नहीं चिनायान में जाकर इसकी साधना कर, और उनको जब ये साधना प्रदान की गई तो उन्होंने 5 दिनों में इस साधना को सिद्ध किया।
वैसे ही विश्वामित्र, विश्वामित्र एक बार अपने शिष्यों के साथ जा रहे थे, तो शिष्य उनके कम थे और वो तपस्या के लिए जा रहे थे, तो उन्होंने वशिष्ठ का आश्रम देखा। वशिष्ठ के आश्रम में कामधेनु है, कल्पवृक्ष है, और उनके वशिष्ठ के शिष्य रोज भी सोने के थाली में खाना खाते थे, अप्सराएं उनको परोसती थी, इतना ऐश्वर्य था क्योंकि कामधेनु उनके पास थी। जब विश्वामित्र के शिष्यों ने कहा कि हे प्रभु आप भी क्या चीज़ है, आपने देखा है कि वशिष्ठ के शिष्य कैसे खाते हैं, सोने की थाली में खाना खाते हैं, और आपके हम शिष्य हैं घोड़े चबा कर फेंक दिए वाले जो चना है वो खा के जीते हैं, ये भी क्या ऋषि, ये भी क्या संतान हुई, ऐसे गुरु का रह के नहीं रह के। विश्वामित्र का माता ठनका, बोले आप ठीक कहते हैं, जो गुरु अपने शिष्यों को पाल ना सके, जो शिष्यों को अपने को श्रेष्ठ बना नहीं सके, वो गुरु कहलाने के लायक नहीं है। उन्होंने उसी समय वहीं खड़े होकर कहा कि हे लक्ष्मी तू आज मेरे को तरसा कर मेरे शिष्यों को चने खाने के लिए, घोड़े के झूठे चने खाने के लिए तरसा रही है, और मुझे एक झोपड़ी भी नहीं है रहने के लिए, मैं घास में जंगल जंगल घूम रहा हूँ, आज के दिन मैं तुझे सिद्ध नहीं करूंगा, आज के दिन तुझे सिद्ध करके मैं यहाँ नहीं बतलाऊंगा और तुझे मेरे आंगन में नहीं नचाऊंगा, तो महर्षि विश्वामित्र नहीं। और उन्हें 5 दिन बढ़कर साधना संपन्न की, साधना संपन्न की, वही साधना संपन्न होने के बाद लक्ष्मी उनके पास आई, और लक्ष्मी जब आई तो विश्वामित्र काश्मीर सोने के ईंटों से भरा। और जब ये बात वशिष्ठ जी को मालूम हुई तो वशिष्ठ जी जाकर विश्वामित्र से पूछने लगे कि मैं 1000 साल तपस्या करके भी जो प्राप्त नहीं कर सका, तूने 5 दिन में कैसे कैसे प्राप्त की। तब विश्वामित्र कहते हैं कि जिसके पास जिद हो, हक हो और विद्या को पूछने का तरीका हो, वह इस तत्व को प्राप्त करते हैं। मैंने ब्रह्मा जी से पूछा कि मैं किस साधना को करने के कारण मैं ब्रह्मर्षि बनूंगा और किस तरह मैं महान बनूंगा, तो उन्होंने एक जटा के बारे में बताया, और एक जटा में महालक्ष्मी, महासती, महाकाली तीनों का समावेश है, मैंने उसको सिद्ध किया और आज मैं ऐश्वर्यवान हूँ, वो बाद में ब्रह्मर्षि कहलाए। तुम्हारे जीवन में असंभव का कार्य भी लगे, तुम्हें लगता है कि तुम्हारे बच्चे मूर्ख है, पढ़ नहीं रहे हैं, तुम्हारे में भी मूर्खता है, तुम्हारे घर में झगड़ा है, तुम्हारे घर में पैसों की कमी है, तुम्हें नौकरी नहीं लग रही है, तुम्हें यश नहीं मिल रहा है, कीर्ति नहीं मिल रही है, कार्य सिद्ध नहीं हो रहा है, तो आप आज वसंत पंचमी के दिन एक दिन भी एक जटा की साधना करो और विद्यादान करो। विद्यादान का होता है कोई पुस्तक और लेखनी को प्रदान करो, तो उसको इस श्रेष्ठता के साथ जो करता है वो श्रेष्ठ कहलाता है, उसके घर में 7 पीढ़ियों तक विद्या का प्रमाण या विद्या रहती ही है, ऐसा कहा गया है। आज अगर आपको पता नहीं है, इवन मुस्लिम तंत्र में भी हम अगर कहें तो उनको ओपोते हैं अल्लाह को। अल्लाह का अर्थ क्या होता है, अलीफ से लेकर हा तक पूजने को अल्लाह, अलीफ है ना पहला अक्षर उनका, अपना ऐसा आ है और अपना आखिरी अक्षर हा है, तो उसी तरह अलीफ को अल्लाह कहते हैं। उस अक्षर ब्रह्म को पूजने वाले जो हम पूजे हैं उन्होंने भी पूजा है, वही अक्षर ब्रह्म को पूजने वाले करने के कारण, उन्होंने अल्लाह को पूजने के कारण उनको भी इस एक जटा विद्या की विद्या प्रदान की थी। अब इसके बारे में बोलूं तो आपको लगेगा कि गुरु जी क्या कह रहे हैं, आपको अच्छा लगेगा या बुरा लगेगा बाद में, लेकिन ज्ञान देना मेरा कर्तव्य, मुझे जो ज्ञान है मैं आप तक पहुंचाना मैं चाहता हूं। अब सुनो, एक बात यह हुई, एक बार चंद्र भगवान जो अत्रि महर्षि के पुत्र थे, वो जब बड़े हुए तो महर्षि अत्रि को पूछा कि प्रभु मेरे को विद्या चाहिए, मैं विद्या किसके पास सीखूं, तो उन्होंने कहा देवता के गुरु बृहस्पति है, उसके पास जाके विद्या सीख ले। तो जब वे बृहस्पति के पास गए तो बृहस्पति के पास विद्या सीखने गए, तो बृहस्पति की पत्नी का नाम था तारा, तो तारा ने जैसा ही चंद्र देखा, चंद्र बहुत सुंदर थे, बहुत सुंदर, अब वो तारा चंद्र के साथ प्रेम करने लगी, चंद्र के साथ उसका मेल मिलाप हो गया। चंद्र ने जैसा ही तारा को देखा, फिर इन दोनों में जब प्रेम हुआ तो चंद्र और तारा दोनों मिल गए और उनको बुध नाम का पुत्र हुआ। ये हमारी पौराणिक कथा है, पुराण में लिखा गया है। और बुध जैसा ही पैदा हुआ तो तब बृहस्पति ने कहा ये मेरा पुत्र है, लेकिन माँ को जानता है कि किसका पुत्र है, माँ ने कहा ये तेरा पुत्र नहीं, ये चंद्र का पुत्र है। ये झगड़ा हुआ, इंद्र के पास गया, इंद्र ने कहा अरे तू क्या अपने गुरु के पास ही आता है, गुरु के पत्नी को ऐसा करता है, तेरे को ये कहाँ तक ज्ञान है, ऐसा नहीं करना चाहिए। बात झगड़े में इतनी हो गई कि बृहस्पति और चंद्र को लेने लगा और बृहस्पति ने चंद्र को शाप दिया कि तेरी जो इस सुंदरता के कारण मेरी पत्नी इतनी हुई, तेरी सुंदरता सब चल जाए, तू कलाविहीन हो जा, ऐसा शाप दे दिया गया। चंद्र कलाविहीन हो गए। तब चंद्र ने कहा मेरी गलती नहीं है, तारा ने ही आकर मुझसे प्रेम किया, फिर भी तुमने मुझे शाप दिया, ये कहां से कहां का कारण है। चंद्र ने जाकर फिर किसके पास जाए, फिर अपने पिता के पास गए और बोला मेरे अकारण शापित हुआ, मेरे कुछ ना कुछ करो। तब शिवजी ने, अत्रि महर्षि ने कहा तो शिवजी की तपस्या कर। चंद्र भगवान ने शिवजी की तपस्या की, जो आज सोमनाथ मंदिर है वहां ही
चंद्र भगवान ने तपस्या की थी और वहां सोमनाथ ईश्वर जब आए उन्होंने कहा कि यह बृहस्पति देवता का शाप है, वैसे खराब खत्म तो नहीं कर सकता, लेकिन एक बात कहता हूँ, तेरे को 15 दिन तेरी कलाएं बढ़ेंगी और 15 दिन तेरी कलाएं क्षीण हो जाएगी, ऐसा होगा। वही शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष है, जब तक अमावस्या में चंद्र कलाविहीन हो जाते हैं और शुक्ल पक्ष में उनकी कलाएं होती है, ऐसा शिव जी ने उनको आशीर्वाद देते हो, इसका नाम भी सोमेश्वर रखा या सोमनाथ मंदिर रखा, सोम को भी चंद्र कहा जाता है। ये एक कहानी है, अगर ये कहानी को आपको बताऊं तो गुरु जी क्या कहानी बताएं, हमारे को पुराण के दिन कोई गुरु पत्नी के साथ रहता उसको बेटा पैदा होता है, ये सब क्या दिमाग खराब बातें करते हैं आप, ऐसा कहेंगे आप में, क्योंकि आप आलोचना में बहुत श्रेष्ठ हैं, आपकी उतनी आलोचना करने वाले कोई श्रेष्ठ नहीं है, मैं यहाँ भी कहूँगा तो आप भी वही बात कहेंगे, लेकिन हमारा शास्त्र सुनाया जाए तो यहाँ देखो बृहस्पति ग्रह है, नव ग्रहों में से एक ग्रह बृहस्पति गुरु ग्रह है, चंद्र भी ग्रह है, तारा भी स्टार है, बुध भी ग्रह है, यहाँ हुआ क्या, बृहस्पति जब थे तो उसके गोल अत्राव प्रदक्षिणा चंद्र कर रहे थे उनकी कड़ाई लेने के लिए, लेकिन बीच में तारा स्टार आने के कारण चंद्र उसको टकरा गए और उसका एक टुकड़ा गिरा, वो बुध ग्रह हुए, ये खगोल शास्त्र है, लेकिन इसको पुराणों की कथा में बताया जाए तो ब्लू फिल्म हो जाती है वहां गुरु के पत्नी के साथ रहने की, लेकिन ऐसा नहीं है, ये ग्रहों की कथा है। तो ये ग्रहों की कथा हुई, जब बुध आए तो बुध आने के बाद उसने तारा ने कहा बुध तो चंद्र का, चंद्र तेरे पिता है, बृहस्पति ने कहा बेटा तू मेरा है। ये जब झगड़ा इतना बढ़ गया, वो तो माता को मानते थे, कौन बुध, माँ तू सच बता क्या है, तो माता ने कहा बेटा तेरे पिता तो चंद्र है। अब ये बुध को ऐसा हुआ कि बृहस्पति बहुत गुस्से में आए और तू मेरा पुत्र है, इस झगड़े को मिटाना चाहिए, कैसा करना चाहिए, तब बुध ने क्या किया कि ये बृहस्पति हिंदू धर्म का श्रेष्ठ ज्ञाता है, हिंदू धर्म में देवताओं का गुरु है, यही धर्म का बोध करता है, अब इसको देखना कि बुध को तो मजा चखाऊंगा, बेटा है माँ की बात सुनता है, उसने कहा कि इसको मजा चखाऊंगा और उसने एक नए धर्म की स्थापना की। वो नए धर्म की स्थापना आपको पता है कौन सा धर्म है, जो बृहस्पति यानी वेद धर्मों के अगेंस्ट में धर्म की स्थापना हुई वो धर्म हुआ, वो धर्म हुआ तो आपको अच्छी तरह जानते हैं उस धर्म के, उस धर्म का निशान क्या है, चांद तारा है, चांद और तारा किसके किसके हुए, और बुध का ग्रह आप लोग ज्योतिष हैं तो बुध का रंग कौन सा है, हरा है ना, तो ये सारी चीजें ऐसी हुई कि बुध के क्रोध के कारण इस धर्म की स्थापना हुई। बाद में इस धर्म के बारे में बोलते बोलते हुए जो कार्य हुआ वो बुध की स्थापना के कारण, वो धर्म का उत्थान हुआ, वो धर्म आया और उस धर्म की स्थापना होते हुए इसके कारण हुआ, लेकिन ये बुध को बाद में बृहस्पति और इंद्र ने आकर समझाया कि तू इस धर्म की स्थापना क्या क्या है, तो बोला मेरे को गुस्सा नहीं रुका और मैंने इस धर्म की स्थापना कर दी। लेकिन आज जो देखते हैं हम अगर कहें कि ऐसा कोई संसार में धर्म नहीं है जो सनातन धर्म से ऊपर आया, सनातन धर्म के तरफ से ही आया हो, ऐसा मेरा एक कथन है, इसके बारे में आप नहीं लेना, लेकिन मैं कहता हूं, तो ऐसे धर्म की स्थापना भी हम करने वाले, बुद्ध के कारण स्थापना होने से वो बौद्धि की कह रहा है, यानी बुद्ध से ये काम लेते हैं, वो अध्यात्म ज्ञान नहीं बोलते आपको, हम हमारे पास ध्यान में बैठने जाओ तो कोई उस धर्म का आदमी आपको ध्यान करते हुए नजर नहीं आएगा, ना योग करते हुए नजर नहीं आएगा, उसको मानता ही नहीं, वो मानता है तो सिर्फ काटो और अपने धर्म को बढ़ाओ, अपने धर्म को बताओ उस बृहस्पति धर्म के अग्निष्ट में बढ़ाते जाओ, और वो जो आज हो रहा है आप अच्छी तरह देखते हैं, जानते भी हैं, लेकिन हम इन सारी चीजों को देखते हुए धर्म के नाम पर जो कार्य हो रहा है, मैं कहता हूँ ये सारे एक ही धर्म से उत्पन्न हुए धर्म है, और हम इस धर्मों को लेकर किस तरह चलना चाहिए, उस धर्म को किस तरह बदलना चाहिए, वो धर्म कब बदलेगा, इसका एक कारण है, इसके पीछे है, लेकिन ये आपके सम्मुख बोलने से बहुत बड़े आजकल के झगड़े बढ़ सकते हैं, लेकिन इतना जरूर कहता हूँ कि धर्म हमारे से बड़े हुए हैं, और इस धर्म की स्थापना कैसे हुई और इस धर्म का उत्थापन कैसे होगा, इस धर्म में भी आप देखते हैं, इस धर्म में भी धनवान लोग हैं, उस धर्म को आचरण करने वाले भी धन है, ऐश्वर्य शक्ति है, सब उनके पास है, लेकिन जो योग और अध्यात्म जो वैदिक धर्म है, वो वैदिक में क्या कहा गया, ध्यान करना, शांति से रहना, किसी को नहीं मारना, सहन शक्ति ना, ये धर्म में, इस धर्म में रखा हुआ है, और इस धर्म में वो नहीं रखा गया है, केवल धर्म का प्रचार करना, क्योंकि बुद्ध ने कहा था कि बृहस्पति के अग्निष्ट में मेरा धर्म प्रचार बहुत हो जाना, आज हुआ, कल क्या होगा वो वही निर्णय करेंगे, लेकिन इस प्रकार इस धर्म की भी स्थापना होकर आगे चली, और इस धर्म की स्थापना होने के बाद जो हमारे धर्म के विरुद्ध होने के कारण उल्टा लिखना, उल्टे हाथ धोना, ये सारी चीजें आपको मालूम है, मैं इसके बारे में ज्यादा अंदर नहीं जाना चाहता, लेकिन मैं आपको कहता हूँ सारी धर्म सनातन धर्म की पुष्टि से इस धर्म का उत्पन्न हुआ, और ये धर्म आए, इस धर्म की उत्पत्ति करते हुए उस धर्म में भी धनवान लोग हैं, उस धर्म में भी पैसे वाले हैं, उस धर्म में, लेकिन वो धर्म कभी भी बुद्धि पर काम करता है, भौतिकता, और हमारा वैदिक धर्म करता है अध्यात्म की श्रेष्ठता है, अध्यात्म को लेकर चलता है, हम कहते हैं कि किसी को अकारण मत मारो,
किसी को अकारण किसी के ऊपर अत्याचार मत करो, यह पाप का कारण है हमारे पास, हम में माना जाता है। वो कहते हैं उनके धर्म के बारे में किसी को भी मारो, अन्याय नहीं है। और हम इस चीज को लेकर नहीं चलना चाहिए, यह हमारे वैदिक धर्म में और उस धर्म में एक फर्क की चीज है। लेकिन मैं ये बात आपको इसलिए समझा रहा था कि बुद्ध ने भी वहां ये करते हुए जो जो कार्य किया था, जो मंत्र अक्षर ब्रह्म का मंत्र दिया था, जो उस ब्रह्म ने उनको जो ज्ञान दिया था, आज भी उस मंत्र के साथ वो जो उनका जो पहला मंत्र जो कहते हैं क्या, बिस्मिल्लाह रहमान, ऐसा जो कहते हैं रहमान का अर्थ होता है रहम करने वाला, दया करने वाला, बिस्मिल्लाह, ये आप स्त्रियों को भी देखते हैं और पुरुषों को भी ये नाम रखा जाता है। तो इसके पीछे जो तत्व है, जो सरस्वती तत्व है, जो विद्या तत्व है, वो एक जटाकाई तत्व है, इसलिए वे भी ऐश्वर्यवान हुए और वे भी श्रेष्ठ कहलाए। अब इसके बारे में मैं सभा के माध्यम से नहीं, कभी आप बैठेंगे तो इसके बारे में भी समझाऊंगा कि ये कैसे धनवान हुए, इनको किस कारण धनवान होना पड़ा, ये कैसे विद्वान हुए और इसका तोड़ क्या है, इसको किस तरह करके हम आगे बढ़ सकते हैं, हमारे धर्म में और उस धर्म में क्या है। हम नवग्रहों की पूजा करने वाले, हम श्रेष्ठता के जाते हैं और इस एक जटा की साधना करने वाले, चाहे वो किसी भी तरह का क्यों ना हो, वो ऐश्वर्यवान हुआ, वो शक्तिवान हुआ, वो विद्यावान हुआ और उसको ये विद्या प्राप्त हुई। हम इस तत्व को, जेकर मैं आज का प्रधान विषय था कि हम इस वसंत पंचमी के दिन हम इस विद्या को किस प्रकार ग्रहण करेंगे और हम भी सामर्थ्यवान बनेंगे विद्या शक्ति साथ साथ। जिस घर में एक जटा की साधना होती है उस घर में किसी प्रकार के झगड़े नहीं होते। जैसे आज हम देखते हैं पति पत्नी के झगड़े हैं, सास ससुर के झगड़े हैं, सास बहू के झगड़े हैं, ये सारी चीज़ें, जिस शांति को प्राप्त करना है और हमारे घर में, हमारे देश में, हमारे देश में एक जटा, आज तक इस एक जटा की साधना को किसी ने उजागर नहीं किया। जिसको ऐश्वर्य के साथ विद्या चाहिए, जिसको शक्ति के साथ विद्या चाहिए, वो इस एक जटा की साधना करता है। आज इस विशेष साधना को यहाँ मैं देना चाहता हूँ। अब मैं थोड़ी सी बातों में कहूँ तो उस्मानाबाद के वाक्सर जब मेरे पास आए थे तो वाक्सर तो आप आज भी वो नौकरी कर रहे हैं, अब उनको हर हर महादेव करने के लिए चांस नहीं दे रही है उनकी मैडम पत्नी जी, नहीं तो वो भी हर हर महादेव करने के लिए तैयार है। लेकिन उन्होंने कहा कि नहीं कहना है, तुम नौकरी करना है, ऐसा बोल देने के कारण वो नौकरी आज भी कर रहे हैं, नहीं तो मेरे बातों में दो मिनट में दे देते हैं। ऐसे ही वाक्सर जिसने गुरु पर विश्वास किया, गुरु का कार्य किया, गुरु के साथ रहे, जो कार्य मैं कितने दिनों से चाह रहा था, आज उन्होंने यह कार्य करके बताया कि ये जमीन ली उस्मानाबाद में, जो अपना घर करने से पहले उन्होंने निखिल चेतना केंद्र की स्थापना करके बताई और निखिल चेतना केंद्र आज स्थापित हुआ। अब ये स्थापित होने के बाद मेरे ऊपर और भी भार बढ़ गया। क्यों? क्योंकि जो शून्य से आया निखिल चेतना केंद्र की स्थापना की है, मैं अभी तक हमारे निखिल चेतना केंद्र में गुरु मंदिर बांधता हूँ, बोला बांधा ही नहीं। अब बोला अगर ये नहीं करता हूँ तो ये तो मेरे कभी भी कॉम्पिटिशन में रहेंगे, गुरु जी देखो मैं करके बताया, आप कहाँ हैं, गुरु मंदिर कहाँ से बांधे, आप उस गुरु मंदिर के पीछे पड़ा हूँ। आज उन्होंने परीक्षा के माध्यम से ऐसे टेबल पे बिठा दिया मुझे, ऐसे कुर्सी पे जहाँ मैं एक तरफ झुका हुआ जब पत्नी ऊपर है। तो इसका कारण ये है कि वो चाहते हैं कि एक जटा आप ही के पास है, अभी आप मंदिर बांध के बताना है। इस कारण हमें आगे क्या करना है, तो मैं जिस विद्या के कारण, जिस कारण जो आदमी कल तक शून्य था, आज तुम्हारे सामने इतने लोगों को लेकर खड़ा हुआ है, उसके पीछे भी गुरु कृपा है। मैं आपको भी कहता हूँ, आप एक बार गुरु पर विश्वास करके काम करो, आप भी इससे भी श्रेष्ठ कार्य करवा के बताएंगे। गुरु पर विश्वास करो, गुरु का कार्य करो, गुरु कहे हुए मार्ग पर चलो, आप भी श्रेष्ठ कहलाएंगे। आपके सामने उदाहरण के तौर पर कहता हूँ, आज उनके साथ जो भी लोग हैं, अच्छे हैं बुरे हैं, सभी लोग अपना अपना प्रयत्न कर रहे हैं और अपने अपने मार्ग से आगे चल रहे हैं। जिसने भी इस साधना को संपूर्ण गुरु भावना रखते हुए किया, उसको किसी प्रकार की कमी नहीं हुई। कहते हैं एक जटा का यंत्र रखकर उसके ऊपर श्वेत यानी सफेद फूल और सफेद अक्षर रखते हुए एक जटा का मंत्र आज के दिन पांच माला करता है और एक जटा को अपने घर में रखता है तो उस घर में सुख शांति रहती है। माता सरस्वती, महालक्ष्मी, महाकाली उनके घर में रहते ही है, उसके घर में कुछ कभी भी कमी नहीं पड़ती। मैं इससे पहले भी एक बार बहुत बार बोला था, आजकल हमारे महाराष्ट्र में हो या कहीं भी हो, उपवास करने का बहुत प्रथा है। काय करायला तो आज उपवास है, एकादशी है, दूसरे दिवसी का अगर आज सोमवार है, आज गुरुवार है, आज बुधवार है, नवरा परेशान, बाई को स्वयंपाक रत्न एकादशी और पढ़ूना है, नवरा बाहर जाऊन जेवायला, बाहेर फिरायला, मग नंतर नवऱ्याला शिवाय द्यायचा, होते नाही घरी जेवतच नाही, तू जेवला तर जेवतील की, तू स्वयंपाक करणार तर घरी काय जेवतील, बाहेरच जाऊन जेवतील। अशा ह्या एकादशी ह्या उपवासाकडून नवरा परेशान, त्याच्यानंतर बायका ह्यासाठी परेशान की एका दिवशी काय झालं, एक बाई होती तिला कोणी माझ्यासारखं गुरुनं सांगितलं, बाई तू सोमवार कर मुलासाठी,
मंगळवारकर तुझं ऋण जाण्यासाठी, आता बुधवारे सोडून त्या गुरुवारकर गुरुसाठी, शुक्रवारकर लक्ष्मी येण्यासाठी, शनिवारकर शक्तीसाठी, याचे पूर्ण वार करू लागले. नवऱ्याला घरी उपाशी, नवरा आला काय आज स्वयंपाक अहो आज मला उपवास आहे ना, तुम्ही बाहेर जाऊन खाऊन या ना. आता नवरा काय खाले खाणार राहणार, एके दिवशी असं झाला नवऱ्याला आला त्रास, त्यानं आला माझ्या गुरुसाठी, गुरुजी काय सांगितला तू, माझी बायको उपवास, मला जेवण नाही, माझ्या बायकोला जेवण नाही, तुम्ही काहीतरी करा. आणि म्हणलं तसं काय नाही, मग असं कर ना, तू बायको उपवास करत तू लक्ष्मी साधना कर, छान तिंदा खा, छान राहा. नवरा गेला, गुरुजी सांगा लक्ष्मी साधना कशी करायची, लक्ष्मी साधना सांगितली त्यांनी, लक्ष्मी साधना केली. जेव्हा घरी गेला तर जेवायला बसला, बायको तर कशी उपवासच आहे, जेवायला बसल्यानंतर त्या घरात लक्ष्मी नवऱ्याने साधना केली, लक्ष्मी आली, येऊन म्हणली की काय चाललंय, माय ये माझी बायको उपवासानं राहते. म्हणजे अरे मी तुझ्या घरात कशा आहे, तुला कसं मी बाहेर जेवायला देते, तुझी बायको उपवास करते, तिला लक्ष्मी नको, तिला पैसा नको, धन नको, खाली घरात जर तांदूळ भात दाळ गहू पाहिजे असले तर लक्ष्मी पाहिजे, जेवली तर चांगले कपडे घाली, तिच्या तोंडावर कळा राहील, तिला उपवासच राहायचे, तिला काही नकोच नको, एका कपड्यावर राहते, तिला मी कशाला पाहिजे, तिला सरस्वतीच पाहिजे, त्यासाठी मी त्या घरात येणार. म्हणजे जी बाई सवाष्ण बाई आहे ती जास्त उपवास करते, त्या घरी लक्ष्मी राहत नाही, हे मी सांगतो तुम्हाला. एक उपवास तुमच्या प्रकृतीसाठी करा, पण प्रकृती दिवसभर चारभर एकादशी द्वादशी करून नवऱ्याला सुकवू नका, तुम्ही सुकवून राहू नका. तुमचं तोंड पाहिजे तर लक्ष्मीवान वाटत नाही, काय गेलं उपवास आहे हो, आज उठता येत नाही, बसता येत नाही, काय करावं, लक्ष्मी आली तरी घराच्या बाहेर. म्हणते हिच्या घरी येऊन काय फायदा गुरुजी, ती तिला काय उपवासच करायचा आहे, एका कपड्यावर राहती रोज आणि खाली झोपती, उपवास आहे ना, भलंगावर झोपू नये, नवऱ्याला खायला द्यायचं नाही, मी कशाला येऊन तिच्या घरी येऊन काय करायचंय. जी सवाष्ण बाई आहे ही चांगली बाई, जी उपवास करत नाही, किंदा ज्योती, तिच्या घरी लक्ष्मीचा वास राहतो, म्हणते हिच्या घरी माझी आवश्यकता आहे, मी यावं हिच्या घरी असं सांगतात. त्यासाठी ह्या तत्वाची एक जटा जी देवी आहे, त्या देवीची जी पूजा केल्या त्या घरात महालक्ष्मी महारसती महाकाळीचा वास राहतो असं सांगितलं गेलेलं आहे. आणि आज त्या वसंत पंचमीच्या श्रेष्ठ दिवशी वाक्सिद्धी देवीसहित आम्ही ज्या प्रकारे देवीची साधना करतो, ज्या प्रकारे त्या देवीची स्थापना करतो घरामध्ये, त्याप्रकारे आपल्या घरामध्ये महालक्ष्मी महासती महाकाळीचा वास, आणि आपले कितीही मूर्ख मुलं राहिले तरी तो विद्वान होतील आणि त्यांची समस्त इच्छा पूर्ण करणारी ही एक जटादेवी. जसा आपण माहोची रेणुका देवीला एक वीरा ह्या नावानं जाणतो, तशीच ताराला सुद्धा एक जटा असं ह्या नावानं जाणल्या जाते. तसंच एकेश्वरी म्हणून महालक्ष्मीलाही जाणल्या जाते, दुर्गाला एकवीराच्या नावानं जाणल्या जाते, तर सरस्वतीला एक जटाच्या नावानं जाणल्या जाते. तर ह्या देवीची जी स्थापना करतो त्याच्या घरात सर्व सुख शांती आणि प्रत्येक प्रकारचं यश आणि कीर्ती हे राहते असं सांगितलं गेलेलं आहे. मी तुम्हा सगळ्यांनाही ह्या वेळेस 1-20 मिनिटाचं तुम्हाला एक टाईम देतो, तोपर्यंत जो आपल्या घरात एक जटा देवीची स्थापना करू इच्छिता आणि मंत्र करू इच्छिता त्यांना इथंच साधना करून तुमच्या घरात एक जटाची स्थापना करतो आणि तुमच्या घरात महालक्ष्मी महाराष्ट्र महाकाळीचा वास व्हावा असा आशीर्वाद देतो. 20 मिनिटासाठी तुम्हाला समय देतो, तुम्ही यंत्राने माळा घेऊन या, तुम्हाला साधना सांगतो आत्ता.